आईपीएल के आपने कई पड़ावों को देखा होगा, शायद उन पड़ावों की आपकी यादें भी अब धुंधली हो गई होंगी। तो याद दिलाते हैं आपको पहले आईपीएल की। साल 2008 जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तारीख थी 18 मार्च 2008, जगह थी बेंगलुरु, मैच था आरसीबी और केकेआर के बीच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान थे राहुल द्रविड़ और कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान संभाल रहे थे सौरभ गांगुली। केकेआर की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ब्रैंडन मैकलम के शानदार 158 रनों के बदौलत केकेआर ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 222 रन बनाए। मैकलम ने 73 गेंदों पर 13 छक्के और 10 चौके उड़ाते हुए 158 रन ठोक डाले। रनों का पीछा करने उतरी आरसीबी दूसरे ओवर से ही झटके खाने लगी। पहले 2 रन बनाकर राहुल द्रविड़ आउट हुए और फिर 1 रन बनाकर विराट कोहली, और देखते ही देखते पूरी टीम 15.1 ओवर में 82 रन पर ढेर हो गई। इस मैच में केकेआर की ओर से खेल रहे अजीत अगरकर ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि सौरभ गांगुली ने भी 2 को आउट किया। और इस तरह आईपीएल के पहले सीजन का पहला मैच केकेआर ने 140 रनों से जीत लिया, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे ब्रैंडन मैकलम, जिनका पहले ही मैच में बनाया गया 158 रनों का रिकॉर्ड 5 सालों तक रहा, जिसको 5 साल बाद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल ने तोड़ा और गेल ने 66 गेंदों में 175 रन बनाए।